हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक लेसन 3 यानी कि पाठ 3 तक कर लिया। इसके शब्दार्थ, इसके भावार्थ, इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नोत्तर, इससे जुड़ी हुई सभी व्याकरण हमने देखे, उनको हल किए। तो इसी पुस्तक का जो पाठ 4 है उसको आज हम करेंगे, जो कि एक पूरक पठन है और यह एक नई विधा भी है, यानी कि जो इसकी विधा है वो नई है। वह कौन सी विधा है, तो आइए उसको देखें थोड़ा। सबसे पहले जो यह कविता है उसका नाम है मन। क्या नाम है? मन। और यह एक पूरक पठन है, तो आप लोग को ज्ञात होगा कि पूरक पठन यानी कि इससे जुड़े हुए हमारे पुस्तक में जितने भी पूरक पठन हमारे अध्याय हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह कितने अंक के पूछे जाएंगे, तो 4 अंक के पूछे जाएंगे पूरक पठन के अंतर्गत। तो आइए हम इस कविता की क्या खासियत है इसे देखें। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यह जो मन कविता है यह एक जापानी कविता हाइकू है। इसकी विधा जो है वह है हाइकू। हाइकू का अर्थ है यह एक जापानी कविता, इसलिए इसकी नाम ऐसे है। और यह जो हाइकू कविता इसे भारत में भी अपनाया गया है। और यह जो हाइकू कविता है वो माना जाता है कि विश्व की सबसे छोटी कविता है। विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है, यानी कि इसके एक एक पद बहुत छोटे होते हैं लेकिन अर्थवान होते हैं। अर्थवान यानी कि उनमें बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं, बहुत सारे यानी कि बहुत घोर अर्थ छुपे होते हैं, बिना अर्थ के नहीं होते। तो इस हाइकू को क्या पहचान है, इसे हम कैसे पहचाने तथा इसकी क्या विशेषता है, तो आइए देखें। सर्वप्रथम ये जो कविता लिखी जाती है वो कितने पंक्तियों में, तो 3 पंक्तियों में, यानी कि एक पद में सिर्फ 3 पंक्तियाँ होती हैं। और हर पंक्ति में यानी कि एक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण। दूसरे पंक्ति में कितना होता है, तो इसमें 7 वर्ण। तीसरे पंक्ति में कितना होता है, तो 5 वर्ण, यानी कि कुल 17 वर्णों से बना हुआ यह एक पद बन जाता है और इससे एक कविता बनती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके एक पद में यानी कि एक कविता में 3 पंक्तियाँ होती है। प्रथम पंक्ति में 5 वर्ण यानी 5 अक्षर होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण यानी कि 7 अक्षर होते हैं, तीसरे में 5 वर्ण यानी कि कुल तीनों पंक्तियों में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 17। इसका यह पहचान है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। इस कविता के लेखक श्री विकास परिहार जी हैं। तो यहाँ पे कवि ने इन कविता के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहा है, हमें क्या बतलाना चाहा है, तो आइए देखें। सर्वप्रथम लिखा है घना अंधेरा। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी कि यहाँ अंधकार से तात्पर्य है विपत्ति या फिर समस्या, जीवन में आने वाली समस्या या विपत्ति। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से, इस कविता में मुझे नहीं लग रहा है कोई भी ऐसे शब्द हैं जो कि कठिन है। घना का अर्थ होता है बहुत अधिक, जहाँ बहुत ज़्यादा होता है उसे घना कहते हैं। अंधकार का यहाँ पर इस कविता में अर्थ है विपत्ति या समस्या। चमकता प्रकाश, चमकता का अर्थ होता है रोशनी देना, प्रकाश का अर्थ यहाँ ही रोशनी है। तो और अधिक, इसके माध्यम से कवि हमें क्या सिखलाना चाह रहे हैं, क्या बतलाना चाह रहे हैं, तो आइए इसको देखें। क्योंकि कविता बहुत छोटी है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, तो हम जब इसका भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे। कवि श्री विकास परिहार जी कहना चाहते हैं कि जब चारों ओर घोर अंधकार होता है
उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी बहुमूल्य होती है। यानी कि जब हम समस्या में घिरे हुए रहते हैं, विपत्तियों में घिरे हुए रहते हैं, तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी बहुत बड़ी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वह जो प्रकाश होती है वो क्या काम करती है, यही किरण हमें सही मार्ग दिखाती है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का सही महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख का वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे अंधकार को दुख भी कहा गया है और प्रकाश को सुख कहा गया है, विपत्ति भी कहा गया है। यानी कि यहाँ पे दो तरफा अर्थ निकल कर आया है। सबसे पहले लिखेंगे विपत्तियों में घिरने के बाद ही हमें छोटे से हल्का भी, यानी कि छोटे से उपाय भी बहुत बड़े उपाय नज़र आता है। तथा एक दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि उसी प्रकार जिस तरह हम दुख के बाद छोटा भी सुख हमारे जीवन में आता है, वो बहुत बड़ा वास्तविक आनंद की अनुभूति देता है। तो कुछ इसी तरह लिखेंगे हम। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, ध्यान देंगे। कवि कहते हैं कि जब चारों ओर घोर अंधकार होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी बहुमूल्य होती है और प्रकाश की यही किरण सही मार्ग दिखाती है। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश असली महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख की वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। इस कविता के माध्यम से हम यही लिखेंगे। तो आज हम इसे कर रहे हैं पाठ 4 का पहला पद कर रहे हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल मुझे नज़र आ रहा है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, यह कर्म पर निर्भर यह कविता है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं, इसका मैं डायरेक्ट सीधे मैं भावार्थ पर आती हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोई भी शब्द कठिन नहीं नज़र आ रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी हमें अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर। हमें काम करने से पहले उस फल की चिंता या चाह नहीं होनी चाहिए कि ये जो मैं आज काम कर रहा हूँ इसका फल क्या होगा। अच्छे कर्म की यहाँ बात हो रही है, बुरे कर्म की नहीं। तो उसकी फल की चाह हमें तुरंत या फिर तत्काल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक हमें कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पद के माध्यम से कवि हमें यह सिखलाना चाह रहे हैं या बतलाना चाह रहे हैं, हम इस कविता में लिखेंगे। अब हम देखते हैं पद 3, जो कि कुछ इस तरह है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पे जीवन से संबंधित शब्द कहे गए हैं, जीवन से जुड़ी हुई बातें की कही गई है। तो इसमें हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि यह जीवन एक नाव की भांति है। जो हमारा जीवन है वो किसकी तरह है, नाव की तरह। भांति की मतलब उसकी तरह है, जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहता है। यहाँ जो हमारा जीवन है वो नाव है और समुद्र यह संसार है, जिसको हम जब सांसारिक जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, हम उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है, यानी कि सांसारिक समस्याओं से जूझते हुए जब ये डरने लगती है और ये डूबने लगते, यानी कि समाप्त होने की ओर जब आगे बढ़ने लगती है, डूबने की कगार में आने लगती है, तो उसकी सहायता कौन करेगा। तब जब हम समस्या से घिर जाएंगे इस संसार में, हमारे जीवन जब डगमगाने लगेगा, तब हमारी सहायता कौन करेगा। यहाँ कवि यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सद्भावना करना चाहिए, ताकि जब उस विपरीत समस्याओं से जूझे, विपरीत यानी कि जब हमारे जीवन में
ऐसी परिस्थिति आए जब हम उस समय थोड़े विचलित हो जाएं, थोड़े डर जाएं, तो उस समय हमारे जीवन को संभाले कौन? तो हमारे परोपकार, हमारे सद्भावना, हमारे सहयोग की जो भावना रहेगी मन में वो, और हमारे सत्कर्म, ये हमें संभालेगी। और जैसे मूल्यों का अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें जीवन में आगे जीने की प्रेरणा मिलेगी और हमें जीवन जीना आसान हो जाएगा। तो जब हम इसका भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, कवि श्री विकास परिहार जी कहना चाहते हैं कि यह जीवन एक नाव की भांति है, यह जीवन एक नाव की भांति है जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहता है। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो इसकी नाव तब जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसकी सहायता कौन करेगा? कवि ने यहाँ यह संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के सत्कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते हैं। अतः जीवन में परोपकार, सद्भावना एवं सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। यानी कि हमें जीवन में कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको आप ऐड नहीं करेंगे, इसको मैं ऐसे ही मौखिक रूप पे बोल रही हूँ जो अभी बोल रही हूँ। यानी कि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों की अनिवार्यता है, तो परोपकार की, सद्भावना की और सहयोग की। ऐसे ऐसे हमें अपने जीवन में व्यवहार रखना चाहिए ताकि जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए, कभी भी कष्टमय परिस्थिति आए, तो ये हमारे सहायक बने। तो इस पद के माध्यम से कवि हमें ये सीख देना चाह रहे हैं। तो आज की कविता में, आज के वीडियो में बस हम तीन इन पदों को देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगले पदों को और जितने हमारे और भी पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।